सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और साथ में इस बेल आइकन को दबाइए। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube के चैनल पे। WhatsApp, Facebook और टेक्स्ट मैसेज तो आप सभी यूज करते होंगे। कभी कभी आपके WhatsApp पे इतना लंबा चौड़ा मैसेज आपके फ्रेंड्स भेज देते हैं कि आपको पढ़ने में काफ़ी तकलीफ होती है, या फिर आप इतने लंबे चौड़े मैसेज को पढ़ नहीं सकते हो। ऐसे केसेस में आप सोचते होंगे कि काश मेरे पास में कुछ ऐसा होता मेरे फ़ोन में जो कि इस मैसेज को रीड करके बता देता। तो आज के उसी प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ इस वीडियो में कि कैसे आपके टेक्स्ट मैसेज को आपका फ़ोन खुद ही आपको पढ़ के सुना देगा, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो या फिर और किसी लैंग्वेजेस में हो। तो सबसे पहले मैं आपको उस ऐप का डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास में एक मैसेज है, मैं इस मैसेज को अगर ओपन करता हूँ और कैसे ये मेरा फ़ोन मुझे इस ऐप खुद से पढ़ के सुना देगा। तो आपको करना क्या है, इस पर जो टेक्स्ट मैसेज उसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है और आपको सिंपली से कॉपी कर लेना है। जैसे कि कॉपी हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आइकॉन आ गया होगा, मुझे इस पर एक बार टैप करना है, ये मेरा मैसेज मुझे पढ़ के सुना देगा। जैसे कि आपने सुना कि कैसे ये ऐप खुद से इस मैसेज को रीड करके सुना दिया। अब मैं आपको एक हिंदी का मैसेज, ये रहा एक हिंदी का मैसेज, आपको इसको जस्ट कॉपी करना है। अब मैं इस मैसेज को कॉपी कर लिया और इस जो आइकॉन आ रहा है इस पे आपको एक बार टैप करना है। आपको मिला 50 मेगाबाइट इंटरनेट 7 दिनों के लिए बिल्कुल मुफ्त। हिंदी में व्हाट्सएप करने के लिए क्लिक www.bit.ly/whatsapp। तो जैसा कि आपने देखा कि ये हिंदी और इंग्लिश के मैसेज को रीड कर सकता है, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसे आपके व्हाट्सएप मैसेज को भी ये ऐप रीड कर सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप मैसेज को भी इस ऐप की मदद से सुन सकते हैं। अब जैसे कि एक मैसेज मेरे पास आया है जो कि हिंदी में है, मैं इस मैसेज को जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंबल आ गया है वही वाला जो कि मुझे इस मैसेज को रीड करके बताएगा। तो मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। उछाल के चलो, तारांकन अदब की राह मिली है। तो जैसा कि आपने देखा है कि कैसे ये ऐप जो है आपके टेक्स्ट मैसेज को भी और आपके व्हाट्सएप मैसेज को भी या फिर किसी भी टेक्स्ट को आप सिंपली से उसको कॉपी करिए और जैसे ही आप कॉपी करेंगे वहाँ पे आपको सिंबल दिख जाएगा, आप उस पर एक बार टैप करके किसी भी मैसेज को आप सुन सकते हैं। आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और उसमें सर्च करना है T2S। जैसे आप T2S सर्च करेंगे आपके सामने ये ऐप ओपन हो जाएगा। आप इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। ऐप का साइज आप देख सकते हो 2.33 MB है, काफ़ी छोटा ऐप है जो कि आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप मेरे सामने इंस्टॉल हो गया है, मैं इस ऐप को अब ओपन कर लेता हूँ। इस ऐप को आप चाहे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है। आपको सबसे पहले इसके सेटिंग में जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले स्पीच लैंग्वेज है, आपको यहाँ से हिंदी भी सिलेक्ट कर लेना है जिससे ये आपके मैसेज को जो हिंदी में हो उसको हिंदी में रीड कर सके। अगर आप बंगाली हो तो आप बंगाली भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे है मोर लैंग्वेजेस, आप यहाँ से इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश इंडिया। और दूसरी सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ जो इस ऐप में करना होगा आपको, वो ये कि यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं कॉपी टू स्पीक, ये ऑफ है, आपको इसको ऑन करना होगा। सबसे पहले मैं इस पर एक बार टैप कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ऑफ है, मैं इसको यहाँ से ऑन कर देता हूँ, ये यहाँ से ऑन हो गया। बस आपको इतना सा करना है, उसके बाद में आप बैक हो जाइए। तो उम्मीद करता हूँ मेरे तरफ से दिया गया ये वीडियो शायद आपको पसंद आएगा। अगर आपको कोई सवाल हो सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।